एक्सीडेंट्स, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। यहाँ लिखा गया है संयोग और प्रायिकता, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। समझेंगे कि संयोग और प्रायिकता क्या होता है। लिखा गया है संयोग। संयोग ये सभी आप लोग और हम लोग भी ठीक है अपने दैनिक जीवन में प्रति ऐसी घटना से अवगत होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि बिजली के आप पढ़ने का टाइम है 6 से 8 बजे तक अपने इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं और उस समय आपको निश्चित रूप से लाइट भी रहती है, लेकिन कभी आप अचानक से जाते हैं पढ़ने तो पता होता है बीच में जान कर जाता है, तो ये क्या है, ये एक संयोग है। या इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, हमें मालूम है कि हाँ ट्रेन इतने बजे से टाइम इतने आती है, लेकिन हम क्या किए ट्रेन जितने बजे आती है ठीक उसके समय से पहुंचे, लेकिन पता लगा कि उसने ट्रेन लेट से है, ये भी क्या है, ये भी एक संयोग है। ठीक है, ऐसी सारी घटनाएं बहुत सारे हम लोग के दैनिक जीवन में घटते हैं और इस हम लोग अवगत भी हैं, तो ये सब यह क्या है, संयोग। तो कुछ लिखेंगे कुछ बातें। संयोग यह एक ऐसी घटना है जिसका समय सीमा कोई निर्धारित नहीं है। ठीक है, ये है आपके संयोग। अब हम समझते हैं प्रायिकता क्या है। ठीक है, लिखते हैं सेकंड पॉइंट, प्रायिकता, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। प्रायिकता यानी इसमें जो भी घटना होती है उसका एक क्रम होता है, उसका एक समय सीमा निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक सिक्के उछाले, तो सिक्के उछालने के बाद उसमें एक सिक्का में दो स्थितियां होती है जिसको चित और पट के नाम से जानते हैं, हेड और टेल के नाम से जानते हैं। तो एक सिक्का उछालने के बाद हम पाते हैं कि उसे समतल मैदान पर गिरने के बाद उसमें कोई एक ही चित यानी कोई एक ही स्थिति दिखाई देता है, या तो हेड हो या टेल हो। ठीक है, तो उसे हम लोग प्रायिकता कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसमें लिख लेंगे कि प्रायिकता इसके अंतर्गत आने वाली घटना का समय एवं स्थिति समय एवं स्थिति समय के साथ स्थिति में समय के साथ स्थिति ठीक है समय के साथ स्थिति निश्चित होती है।
अब जैसे मान लीजिए एक सिक्का उछला जाएगा तो उसमें क्या आएगा जी, दो ही उसमें चिन्ह है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा तो कोई दूसरा नहीं आएगा। यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल में, यदि एक सिक्के को उछाला जाए तो इसकी स्थिति निश्चित होती है कि या तो चीत आएगा, ठीक है, चीत या पट, ठीक है, जिसे हम लोग हेड कमा टेल के नाम से जानते हैं, चीत या पट या हेड या टेल होती है कि या तो चीत या पट या हेड या टेल ही आएगा। तो यहाँ आप समझेंगे कि यदि एक सिक्के को उछाला जाता है तो इसकी निश्चित स्थिति निश्चित होती है कि या तो चीता है या पट है या तो हेड है या टेल है, क्योंकि उसमें दो ही प्रतिचिन्ह होता है, तो चलाओ दूसरा कोई चीज नहीं आ सकता है। और देखेंगे कि एक घन, ठीक है, एक घन में छह अंक होते हैं, एक चले कभी छह तक उसमें अंक आपको लिखा दिया होता है, यानी छह तक अंक उसमें निर्धारित होता है। और एक घन को जब उछाला जाता है, ठीक है, एक घन को जब उछाला जाता है तो उसमें छह प्रकार की स्थितियां बनती है, ठीक है, छह का घटना अलग अलग होता है, जैसे एक अनेक घटना, दो अनेक घटना, तीन अनेक घटना, या सम संख्या अनेक घटना, विषम संख्या अनेक घटना, या सम संख्या नहीं अनेक घटना, या विषम संख्या नहीं अनेक घटना, ऐसे मतलब विभिन्न प्रश्न उसके बन सकते हैं, और सभी का स्थितियां अलग अलग होती है, सभी घटना अलग अलग होती है। जैसे हम लिखेंगे एक घन में एक से लेकर छह तक अंक निर्धारित होते हैं जिनकी घटना का क्रम अलग अलग होता है, ठीक है। एक घन में एक से लेकर छह तक अंक निर्धारित होते हैं जिनकी घटना का क्रम अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या बड़े घनाभ, मान लीजिए इसमें एक से एक दो तीन चार पांच और छह, यानी एक घन में छह तक अंक होता है, यदि उसको उछालेंगे तो छह का स्थिति अलग अलग आएगा, ठीक है। यहाँ सबका घटनाक्रम अलग अलग निश्चित किया जाएगा, अलग अलग निर्धारित किया जाएगा। तो इस परिस्थिति में इससे संबंधित चार पांच प्रश्न बन सकते हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या और ये छह अंक के अलग अलग आई परीक्षा, ठीक है, इससे और भी विभिन्न क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लिया पूछा जाए कि एक आने की प्रायिकता क्या होगी,
तो एक प्लस मतलब इकतालीस है एन एक, और कुल कितना अंक है जी, कुल छह अंक है यानी 1/6। इसकी प्रायिकता होगी कि जो एक आएगा, ठीक है। ऐसे भी और कुछ समझ सकते हैं, इसमें पूछा जाए कि सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी, पूछा जाए यहाँ पे आपका कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर लिखेंगे, और यहाँ कितने सम संख्या है जी, एक दो तीन, तो जितनी सम संख्या उसको लिख देंगे, संख्या के ऊपर तीन है बटा कुल छ वर्ग हो जाएगा, तीन अकम तीन, तीन दोगुनी छ, यानी एक बटा दो जो हो जाएगा क्या जी, सम संख्या नहीं प्रायिकता हो जाएगा एक बटा दो। ऐसे ही इसको आधार बनाकर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे आप लोग अपने से बना सकते हैं क्वेश्चन। तो इतनी बातें आज की वीडियो में रहा है इससे संबंधित, एक्सरसाइज 4.3 संबंधित कंसेप्ट के तहत, इसे आप नोट करेंगे और समझेंगे। अगले वीडियो में पढ़ेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।